यहां पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। डिलीट बटन पे दोस्तों एक बार क्लिक कर देंगे, सक्सेसफुली आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा भैया। दोस्तों आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट नहीं हो रही है। दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीकों को फॉलो करके अपनी इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट करते हो तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट ना हो तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल को रिपोर्ट मार देना। तो प्लीज़ अगर आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना है दोस्तों तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर वॉच कर लेना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल JDM टेक्निकल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर दोस्तों आपके फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर 24 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम को दोस्तों ओपन कर देंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे की साइड में ये वाला ऑप्शन जो मिलता है ना आपकी प्रोफाइल का, आपको इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल पे एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में 3 लाइन देखने को मिल रही हैं, तो आपको इन 3 लाइन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये वाला जो मेरा ना सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा, ओके पे आपको दोस्तों इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे दोस्तों क्लिक कर दोगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ही एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा अकाउंट सेंटर, आपको अकाउंट सेंटर पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप अकाउंट सेंटर पर एक बार क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पर्सनल डिटेल्स, ये वाला, आपको इस पर्सनल डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देना है सेकंड नंबर पे। जैसे दोस्तों आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने डीएक्टिवेट और डिलीट ऑन, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपकी आईडी का यूजर नेम देखेगा, आपको क्या करना है अपनी आईडी पे एक बार इस तरह से टाइप करना है। जैसे ही आपको दोस्तों क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नीचे वाला, ठीक है। और अगर आप अपने अकाउंट को सिर्फ डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई अकाउंट डिलीट करने के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन का आपको चूज़ करना है सेकेंड वाला। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा, सॉरी कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इस कंटिन्यू पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा अनदर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको इतना सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको कोई रीजन सेलेक्ट करना है, मैंने गलती से पीछे हो गया। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप कंटिन्यू पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपनी आईडी का पासवर्ड डाल देना है, ठीक है।
अगर दोस्तों आपको अपनी आईडी का पासवर्ड याद नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर मिल जाएगा या फिर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक वीडियो देख लेना है इंस्टाग्राम पासवर्ड कैसे पता करें, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे भैया, सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। आपको आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, इस डिलीट बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट बटन पे दोस्तों एक बार क्लिक कर देंगे, सक्सेसफुली आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा भैया हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। तो आप लोग भी दोस्तों इसी तरह से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।